साथियों, आप सभी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। आप जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी काफी हद तक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज के कोऑर्डिनेशन पर निर्भर करती है। मुझे याद है जब 2014 में रिजर्व बैंक के 80वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। हालात इतनी खराब थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स देश की आर्थिक प्रगति को जरूरी गति नहीं दे पा रहे थे। हम सभी ने वहां से शुरुआत की। आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल सिस्टम माना जा रहा है। जो बैंकिंग सिस्टम कभी डूबने की कगार पर था, वो बैंकिंग सिस्टम अब प्रॉफिट में आ गया है और क्रेडिट में रिकॉर्ड वृद्धि दिखा रहा है। फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि सिर्फ 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन आना आसान नहीं था। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारी नीति, नियत और निर्णयों में स्पष्टता थी। ये बदलाव इसलिए आया क्योंकि हमारे प्रयासों में दृढ़ता थी, ईमानदारी थी। आज देश देख रहा है, जब नीयत सही होती है तो नीति सही होती है, जब नीति सही होती है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो नतीजे सही मिलते हैं। इन शॉर्ट, मैं यही कहना चाहता हूं, नीयत सही तो नतीजे सही। कैसे देश का बैंकिंग सिस्टम ट्रांसफॉर्म हुआ, यह अपने आप में एक स्टडी का विषय है। हमने कोई भी सिरा ऐसा नहीं था जिसे ऐसे ही छोड़ दिया हो। हमारी सरकार ने रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन और रिकैपिटलाइजेशन की रणनीति पर काम किया। पब्लिक सेक्टर बैंक के हालात सुधारने के लिए सरकार ने करीब 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया और साथ ही गवर्नेंस संबंधी कई रिफॉर्म्स भी किए। अकेले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की नई व्यवस्था से ही करीब 3.25 लाख करोड़ के लोन्स रिजॉल्व हुए हैं। और एक आंकड़ा देशवासियों को जरूर जानना जरूरी है, 27,000 से ज्यादा
ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का अंडरलाइन डिफॉल्ट था, वो आईबीसी में एडमिशन से पहले ही रिजॉल्व हो गई। ये दिखाता है कि इस नई व्यवस्था का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए 2018 में 11.25% के आसपास था, वो सितंबर 2023 आते आते 3% से भी कम हो गया। आज ट्विन बैलेंस शीट की समस्या अतीत का हिस्सा हो चुकी है। आज बैंक की क्रेडिट ग्रोथ 15% तक हो गई है और मैं इन सभी उपलब्धियों में आरबीआई की सहभागीदारी और प्रयासों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो बधाई के पात्र हैं। साथियों, आरबीआई जैसे संस्थान के बारे में चर्चा अक्सर फाइनेंशियल डेफिनेशन और कठिन टर्मिनोलॉजी तक ही सीमित रह जाती है। आपका कार्य जितना जटिल है उसमें यह स्वाभाविक भी है, लेकिन आप जो काम करते हैं उससे देश के सामान्य मानव का जीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता है। बीते 10 वर्षों में हमने सेंट्रल बैंक, बैंकिंग सिस्टम और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बीच इस कनेक्ट को हाईलाइट किया है। गरीबों का फाइनेंशियल इंक्लूजन आज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज देश में 52 करोड़ जनधन खाते हैं, इनमें भी 55% से ज्यादा खाते महिलाओं के नाम पर है। इसी फाइनेंशियल इंक्लूजन का प्रभाव आप एग्रीकल्चर और फिशरीज जैसे सेक्टर्स में भी देख सकते हैं।